सच में मेरा टाइम बहुत खराब है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी हाइट पर बियर पी रहा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही, लव ब्रेकअप नहीं तो किसी का पैकअप, ये सब शेयर करने के लिए अक्सर आपके पास कोई होता नहीं है, लेकिन मेरे पास है मेरे डैड। यस यू हर्ड मी राइट, माय डैड। मेरे डैड ने मुझे बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे कंधे पर बैठा कर घुमाया, मुझे खर्चे के लिए पैसे भी दिए और जब जब मुझे मॉरल सपोर्ट लगा मुझे वो भी दिया। ऐसा कहूंगा सोचा था ना, हाँ? मेरे डैड एक राक्षस है, मेरे डैड आवारा है, बहुत बड़े लफंगे हैं, मेरे डैड बीप 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 डालते जाओ असल में मेरे बियर पीने की वजह मेरे डैड हैं, समझ में नहीं आया ना, चलो सोशल मीडिया पे दिखाता हूँ कि मेरे डैड क्या है, देखना चाहोगे मेरा फ्लैशबैक, कम आई विल शो यू माय फ्रस्ट्रेशन, कम। वो दिवाली का दिन था, मैं डैड का वेट कर रहा था। ये है मेरी गर्लफ्रेंड माधव। तुम्हें चाहिए क्या? नो माय डैड विल ब्रिंग। पापा कब आओगे? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पापा मेरा पार्सल। हैप्पी दीपावली धमाका। इतना ही और इतना बड़ा बॉक्स? ये सब ऑफिस की पेंडिंग फाइल्स है बेटा। देखो पापा ये सब कैसे चला रहे हैं, आई वांट्स गन्स रॉकेट्स लक्ष्मी बॉम्ब। बॉम्ब चलाने से हाथ जल जाता है बेटा, मेरी जेब ऑलरेडी जली हुई है, जो तुम्हें दिया है वो ले लो, इसे चलाओ, मान लो यही दीपावली का प्रसाद है। हे मधु मेरे बेटे के साथ शेयर करो। हां ओके अंकल ओके। घुमाऊं क्या? कपिल, क्या यार तू नागार्जुन सागर डैम एक्सकर्शन के लिए आ रहा है ना? पापा ने हुसैन सागर ही नहीं दिखाया, नागार्जुन सागर डैम क्या आऊंगा? सुनना मधु, तू एक्सकर्शन के लिए आ रही है ना? शोर ले आऊंगी। ए मैं डैम जरूर आऊंगा। कोयल से तेरी बोली। पापा आपके लिए डोसा। हाँ वहाँ रख दे। पापा क्या बात है बोल। मुझे नागार्जुन सागर डैम जाना है। चिरंजीवी डैम होगा तो वहाँ भी चले जाना बेटा। पापा एक्सकर्शन पर जाना है। कितने चाहिए? 1000। 1, 2, 3, 4, 5, 500। जाने के लिए तो ठीक है पर वापस कैसे आऊँगा? तुमने तो कहा था कि जाना है तो उतने दे दिए। तो फिर वापस नहीं आऊँ क्या? अरे प्लीज पापा दो ना। अरे पर और है ही नहीं बेटा। मम्मी बापी बोलो ना। मम्मी कुछ भी करके दे दीजिए ना। मैजिक करके दूं क्या? मेरे पास नहीं है बोला ना। तो फिर ये किस लिए? तो ये भी दे दे। बच्चों आज है फादर्स डे, आई लव माई डैड, मेरे रोल मॉडल मेरे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। अब तुम बताओ तुम्हारे पिताजी तुम्हें कैसे इंस्पायर करते हैं? सर मैं बताती हूँ। हाँ बताओ मधु। नो डाउट मेरे पिताजी ही हैं। मुझे टूर्स बहुत पसंद है, लास्ट टाइम मुझे कश्मीर ले गए थे, इस बार कन्याकुमारी ले जाएंगे। अगली बार कारगिल ले जाएंगे क्या? बहुत हंस लिया तुम लोग, अब तुम ही बताओ। मेरे डैड सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी होमवर्क करके देते हैं। वाह। मेरी माँ गुस्सा करती है तो घर का सारा काम करते हैं। हाँ, अभी तुमने बताया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पसंद हैं, लेकिन पसंद अलग होता है इंस्पिरेशन अलग होता है, तुम बताओ कपिल। माय इंस्पिरेशन एंड माय रोल मॉडल इज सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत ये कौन है? वो कंडक्टर से सुपरस्टार बने हैं सर। तो आपके पिताजी? जाने दीजिए ना, वो तो कंडक्टर की तरह चिल्लर देते हैं और कभी कभी वो भी नहीं देते, मक्खी चूस हैं। कपिल पिता के बारे में अगर तुमने ऐसे बात की तो तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पे होगा। मेरा नाम बाद में नोटिस बोर्ड पर लिखिएगा, पहले मेरे पापा किस पर पैसे लगा रहे हैं वो देखिए। आज किस पे बेट लगाई? श्रीलंका पर 15,000 लगा दिए, आ जाएंगे देखना। लगता है हार जाएगा। आज तो जीतेगा ना? डूबे हुए 15,000 में 5 मिला के 20,000 लगा दिए, 40 वापस मिलेंगे। दम मरेगा क्या? तो फिर पैग लेगा क्या? पता है कमला कर को के पैग से या दम से नहीं मिलती, क्रिकेट से मिलती है। इतना पागलपन? और नहीं तो क्या, इन्होंने पैदा होते ही अपने बेटे का नाम कपिल रख दिया था।
पूरी सैलरी चली गई। ये है असली बात, सट्टा खेलने बैठ जाते हैं तो बाथरूम जाना भी भूल जाते हैं। सही कहा, तुम्हारे लिए 100% रजनीकांत ही रोल मॉडल है। चलता हूँ। काम बनेगा क्या? हाँ हो जाएगा। मधु। हाँ मैं। हाँ मैं। तुमसे। हाँ तुमसे। आई लव यू मधु। आप ए कपिल, तेरे घर पर कुछ तो लफड़ा हो रहा है। मधु कल सेम टाइम सेम प्लेस तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करूंगा। अरे जल्दी कर। ना मत करना। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पति कहाँ है? 40,000 उधार है। क्रिकेट पर सट्टा खेलना पत्ते खेलना जैसा आसान है क्या? प्लीज चिल्लाइए मत, पड़ोस में सभी देख रहे हैं, कल तक चुका देंगे। वाह क्या बात है, पति पत्नी दोनों मिलके अच्छा नाटक कर रहे हैं। 40,000 है ना, ये उससे तो ज्यादा ही होंगे। ये ओरिजिनल है या नकली है? असली सोना है। यहाँ कोई भी तुम्हारे पति पे भरोसा नहीं करता है। क्लब की तरफ अगर आए तो पैर तोड़ दूंगा। चलो रे। अरे बाप रे चले गए। ये सब मामूली बात है, इनकी चिंता मत किया करो। ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या सिर्फ 40,000 के लिए चली जाओगी? बस 40,000 होंगे, लेकिन सबके सामने बेइज्जती हुई। आज गेट तक आए हैं, कल घर के अंदर भी आ जाएंगे। बात वो नहीं है, तुम अभी क्यों जा रही हो? लेकिन हाँ अभी इसी पल मुझे जाना है। मेरे डैड के बैटिंग के पागलपन की वजह से मुझे मेरे फर्स्ट लव को बाय बाय कहना पड़ा। जगह बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी, ऐसा सोचा था मेरी माँ ने। पर मेरे डैड ने मेरी माँ को वो चांस भी नहीं दिया। प्यार मांगा है तुम्ही से, ये ले गर्मा गर्म डोसा। वहाँ रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। टाइम टू टाइम खाना चाहिए ना। कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? वहाँ देखिए। ये क्या लॉन्ड्री का हिसाब है क्या? बैटिंग के पैसों का हिसाब है। 1,25,000 रुपए। ओ विश्वास नहीं हो रहा मुझे। मेरे पास और पैसे नहीं बचे हैं डैड। जस्ट सिर्फ एक बैट जीतने दे, डबल करके दूंगा तुझे। आप बैटिंग करके सारे पैसे उड़ा रहे हैं और मैं यहाँ मेहनत करके 2BHK फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ। हाँ हे यू आर माय सन यार, खरीद लेगा तू, खरीद लेगा। हाँ तक तुम 5,000 देने वाले थे। हाँ तो 5,000 इंक्रीमेंट बढ़ा दो, टोटल हो जाएंगे 10,000। सुनिए डैड ये बेकार की बातें मत करो, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। सुनिए माँ। नहीं, अरे प्लीज 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 प्लीज। कहाँ हैं आप? नहीं नहीं माँ, आपके पति को 10,000 चाहिए। दे दो कह रही है ना। नहीं दोगे तो मारूंगी कह रही है। ये साइलेंट मूवी किस लिए? ये साइलेंट मूवी नहीं है, मैं बैटिंग जीत जाऊँ इसके लिए इसने मौन व्रत रखा है। ये मौन व्रत वगैरह छोड़ो माँ, 25,000 देता हूँ। आप जाकर कहीं ब्लैक मैजिक सीख लो और इन पर प्रयोग करो, शायद ये बदल जाए। 25,000? अरे IPL स्टार्ट हो रहा है बेटा, मैं जीत जाऊंगा भरोसा रखना। हमारी लाइफ से खेल रहे हैं आप। बाय माँ। बेटा बेटा 10,000 नहीं होंगे तो क्लब में एंट्री नहीं मिलती है। तो अच्छा है ना, खेलना छोड़ दो। आज फादर्स डे है। तो अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। ये क्या है, 10,000 मांगे तो 5,000 दिए। बचपन में एक्सर्शन के लिए मांगा था तो आधा ही दिया था ना। ओ, वो बात तुम्हें अब भी याद है। तो क्या भूल जाऊं क्या? हैप्पी फादर्स डे। हाँ शिल्पा। हाय कपिल। बोलो। मेरे सिस्टम में ओरेकल इंस्टॉल करना है। अच्छा हुआ नहीं, सीनू को बोला था? बोला तो फिर उसने किया क्यों नहीं, पूछो। एक मिनट शिल्पा, अभी पूछता हूँ। शिल्पा ने ओरेकल इंस्टॉल करने के लिए बोला था, तूने किया नहीं? वो क्या ओरेकल का कौन सा वर्जन चाहिए पूछा तो 10.2.5 बोला उसने। 10.2.7 आएगा तब मैं अपडेट करूंगा। अरे अपडेट ही होना है ना, कुछ गलत किया? गलत नहीं किया। ये ले मेरा लंच भी खा ले, पहले खुद को तो अपडेट कर ले। सीनू क्या है नू? मेरे लैपटॉप में विंडोज काम नहीं कर रहा, इंस्टॉल करके दे दो ना प्लीज। गूगल में हाउ टू इंस्टॉल विंडोज डालो, उसके बाद अपने ड्राइव में ये CD डालो, जैसे मैं काम करता हूँ ना ये सिस्टम भी वैसे काम करता रहेगा। हे कैच इट। तुम्हें सिस्टम का एडमिन किसने बनाया पता नहीं? हमारे बॉस अविनाश राव ने। हेलो सर, अभी मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हें जॉब किसने दिया, मैंने आपका नाम ले लिया। सर ओके सर, इसका क्या काम नहीं कर रहा है?
जस्ट ए सेकंड सर, मैं आई कमिंग। सीनू नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, देखो जरा। उसका क्या है सर, गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना। नेट नहीं है। नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। 2 मिनट सर। वायर क्यों नहीं है, इसका भी नहीं है। गूगल होता तो ढूंढ लेता, नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा। कसम से ये भी ना। हाँ बोल बे। भाई अर्जेंट है यार। तो वॉशरूम में जाना। वो नहीं यार, बॉस के सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे ही कनेक्ट करने के लिए बोला है। आके बचा ले यार। हाँ पकड़ा गया, मैं नहीं आने वाला, तू ही कर ले। अरे मरवाएगा क्या, आ जाना यार प्लीज। 1 सेकंड सर, नेट कनेक्ट हो गया क्या? सर बस 2 मिनट सर। 20 मिनट से यही कह रहा है, असल में होगा या नहीं? हो जाएगा सर, जस्ट 2 मिनट। ओके सर। मुझे पता था तू आएगा। अगर मैं नहीं आता तो तेरी बहन बच्चा थी। जल्दी कर। कनेक्ट हो गया सर। तुझसे ये कनेक्ट नहीं हुआ। हर कोई यहाँ सीख के आते हैं और ये यहाँ पर सीख रहा है। इसे ठीक से ट्रेन करो। ठीक है सर। शो सर, वो मुझे बोल रहा है तुझे ट्रेन करने के लिए। अरे बाप रे, तू अगर टाइम पे नहीं आता ना तो मैं अब तक गांव जाकर के खेती कर रहा होता यार। कम से कम गूगल करके सीख लेता। तेरे होते गूगल की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, डैड का चार्जर लेना है। डैड का चार्जर मोबाइल के लिए होगा। हाँ। तू जाके चार्जर लेके। थोड़ा दिमाग हाँ। इस्तेमाल कर लिया कर, कब तक मैं तुझे हर जगह संभालता रहूंगा। इस्तेमाल कर इसे। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, नेट पे ठीक से काम नहीं करता, मैं इसके पास क्यों काम करूं? नाइस शू सर, इधर तो आपका केबिन है। सैमसंग का चार्जर होगा क्या आपके पास? सर नए नए फीचर्स के साथ सैमसंग एज आया है, ये देखिए। इतना एच पर मत रखो, थोड़ा अंदर रखो इसे। ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी, ये फोन काम नहीं कर रहा है। कब से काम नहीं कर रहा है? कल से नहीं कर रहा। क्या कहा, ये कल तक काम कर रहा था? रिपेयर करके दे दोगे तो 15 साल तक चलाएगी ये। क्या मैडम, इसे रिपेयर करने से अच्छा है एक चीप एंड बेस्ट स्मार्टफोन ले लीजिए। चीप कभी भी बेस्ट नहीं होता, इसे बस रिपेयर करके दे दो। थैंक यू। ओके मैडम। वैसे भी टच फोन के जमाने में ये बेकार फोन का क्या करना? ऐसा क्यों, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। क्यों, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप के बिना कोई लाइफ है क्या? देख कोमल, फेसबुक की वजह से फेस टू फेस बात करना ही छोड़ दिया है। व्हाट्सएप करते करते चलते चलते कहाँ पहुँच जाते पता ही नहीं चलता। उस दिन ना एक लड़की ट्रेन में व्हाट्सएप करते करते वॉशरूम गई, फिर पैंट पहने बिना ही बाहर आ गई। ट्विटर में ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम में सेल्फी पोस्ट करते हैं, ये सब एडिक्शन मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं किस मुहूर्त में तेरा कंचना माला नाम रखा था, तू अभी भी पुराने जमाने में जी रही है। मैडम ये रहा आपका पुराना फोन। ओह, कितना हुआ? 800। थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। वेलकम टू योर फ्रेंच क्लास, शैल वी स्टार्ट द क्लास? हु इज की? Q-U-I. Welcome. Welcome to you guys. And welcome means be a venue. Very simple. Family means? How do you say it? Familia. Familia. That's right. Familia. Congrats, yaar. Salary badh gayi hai na? To ab tumhare chacha ji tumhe scooty dilayenge na? हाँ ठीक है ना। वेट वेट चाची, अच्छी है ना, जाकर पूछो ना। सुनो वैष्णवी, आज पहली तारीख है ना, उनके पूछे बिना हमें सारे पैसे दे देने चाहिए ना, यही तो हमारे संस्कार है, तो आओ जरा और जल्दी से दे दो। ये लो, ये मेरी पेंशन के पैसे। वैष्णवी तुम्हारी सैलरी। हाँ, आ रही हूँ जी। इसमें 2000 कम क्यों है? वो चाचा जी मेरी सैलरी बच गई। ये क्या बेटी, ये तो 2000 ज्यादा है। सैलरी बढ़ गई है चाचा जी। बढ़नी चाहिए बेटी, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। रोज बेचारी उस पड़ोस की स्कूटी पर जाती है तो उस लड़की को कितनी परेशानी होती होगी। वही अगर तुम्हारी स्कूटी होती तो 1 घंटे पहले पहुंच जाती और सैलरी में और इंक्रीमेंट मिल जाता। ये तुम्हारे चाचा को पता है, जानते हैं ये तो। हर रोज सहेली की स्कूटी से जाने में प्रॉब्लम तो है। देखा, इसे बिल्कुल सही पता है।
तो नई गाड़ी के लिए एडवांस दे दो इसे। अपनी सहेली को पेट्रोल के लिए 4,000 रुपए दे दो, फिर शर्मिंदगी नहीं होगी, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ ठीक है चाचा जी। वैष्णवी तुमने 2,000 का हिसाब नहीं दिया। वो डोंगो वीडियो गेम की जिद कर रहा था तो। वो तो बच्चा है, जिद करेगा ही। तुम्हें अक्ल नहीं है किसके साथ कब क्या करना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे थोड़ा काम है, तुम्हें भी काम होगा, तुम भी जाओ। हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा टकरा ही जाता है जो हमारी लाइफ में खलबली मचा के रख देता है, और वो यही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज सेट राइट किरण? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। व्हाट टाइम इज द फ्लाइट? 2 PM, वी हैव टू लीव इन हाफ एन आवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। Avinash Textiles. Today, we are the number one fabric company in India. You all know the reason behind this meeting. Hamare desh ki sari fabric companies hamari taraf hi dekh rahi hain. Of course, I enjoy it. Ye kafi nahi hai. I want to grab the global market and we got a prestigious opportunity. Wo kya hai sir? London mein, one of the top fashion brands Burberry company, hamari company ke saath, they have signed up a 100 crores deal. Wow. That's really good, sir. So guys, work hard. Time waste करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Sorry sir, सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया। Just 5 minutes, हाँ? Mr. श्रीनिवास, मरने वालों के नाम के आगे लेट क्यों लिखते हैं पता है? वो दुनिया के काम नहीं आते इसलिए। मैं अगर 5 मिनट लेट हुआ ना, तो फ्लाइट मेरे लिए नहीं रुकेगी। I may lose 100 crores of deal. So आपका लेट होना इस कंपनी के लिए नुकसान है। किरण, सैलरी सेटल करके भेज दो। सर, प्लीज सर। Just get up. I'll be back in 3 months and we'll celebrate, okay? All the best, sir. Mr. Prasad is waiting at the airport, sir. Give me the car keys, I'll drive myself. Okay? Okay? Yeah. Yeah. Avinash. Hey, Priya. What a pleasant surprise. ये क्या? फोन क्यों उठा रहे थे? I'm sorry, Priya. तुमने जब फोन किया मैं मीटिंग में था, इसलिए देखा नहीं। डैडी आए हैं हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। अच्छा चलो बाद में बात करता हूँ। हेलो अंकल। खुश रहो। शादी के बारे में? या। अभी? Yes. Are you kidding? Uncle, I'm so sorry. I'm leaving for France right now. And I'll be back in 3 months. And once I'm back, I'll definitely meet you, okay? I'm already late, Priya. Bye. ये क्या है बेटी? शादी में तो आएगा ना या मीटिंग का बहाना करेगा? नहीं डैडी, सच में कोई मीटिंग होगी। No, I'm worried about you, बेटा। Hello? अविनाश, फ्लाइट का टाइम हो गया, कहो? या प्रसाद, I'm on the way. इस रूट पे हमेशा ट्रैफिक रहता है यार। ओह। अविनाश। हाँ प्रसाद। और कितना समय लगेगा? I'm stuck in bloody traffic, man. It's getting late, यार। Come fast. Okay. कौन है बेतु? ए, सिग्नल तोड़कर तो खुद जा रहे हो, ऊपर से वहां अंकल तोड़ा दिया, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? टू हेल विथ योर रूल्स। व्हाट? ये ले। चल निकल, निकल गाड़ी से बाहर निकल। ए, निकल। चल गेट आउट। बाजू में बैठ। संभल गया। आइए बॉस, हॉस्पिटल आ गया ना, मुझे अर्जेंटली एयरपोर्ट जाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन, इट्स 100 करोड़ डील। ए, और इंसान की जिंदगी, उसकी वैल्यू नहीं है? तुझे उड़ाकर 100 करोड़ देता हूँ, वो चलेगा क्या? अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहीं खड़े रहे। Thank you.
अरे डॉक्टर, मॉर्निंग मॉर्निंग सर, कंडीशन क्रिटिकल है क्या? पैर टूट गया। नहीं 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 नहीं, हाथ टूटा है, उम्र हो गई है, थोड़ा सा दर्द है। एक्सरे भी निकाला, बिल एक ही रुपए है ना सर? वो जिरोक्स का, ये एक्सरे है। पैसा भर के ले जाओ उन्हें, भूल मत जाना। नर्स, ये तो जानवरों के डॉक्टर से भी खतरनाक है। ये पैसे वहाँ भर के एक्सरे करवा के। ओके। ये तूने सिग्नल जंप किया उसके लिए, ये ले पर्स, बच गया तू, चल जा। हाँ सही कहा, यहाँ रहते हैं। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। अरे बाप रे। अरे कोई बात नहीं बेटी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। थैंक्स बेटा। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। ये क्या बेटा, घर पर आओ, चाय पीकर जाना। हाँ डैड। अरे बेटा, जितनी जल्दी हो सके क्लब में आ जा। ठीक है, आ रहा हूँ, अर्जेंट काम है कुछ, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। अरे मिस हो गया ना, क्यों रे, एक और बेड लगाने दे, पुराने भी एडजस्ट कर लेंगे। हाँ? पहले के 20,000 क्लियर करो। ठीक है। अच्छा वैसे मैं बाथरूम जा सकता हूँ? रुको, 20,000 भरोगे तो घर पे भी जा सकते हो। क्या हुआ डैड? अरे वो तुमने 5,000 दिए थे ना, तो उसके ऊपर 15,000 और बढ़ा दिए। कांग्रेट्स अंकल। अरे कांग्रेट्स की क्या बात है, ये नुकसान हो गया, इसलिए अर्जेंटली मैंने मेरे बेटे को फोन करके यहाँ बुला लिया। आपको जितने दिए थे उतने में खेलते भाई, कितना हुआ? 20,000। 4632 पिन नंबर, ठीक से अमाउंट चेक कर लो। ये एक प्लेट में दे दो। थैंक यू। वेलकम सर। सर आई एम फ्रॉम सुवर्णभूमि सर। आई एम फ्रॉम सिंहभूमि। सर सर सर, हमारे बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं तो सर सर, एयरपोर्ट के पास बहुत अच्छा प्लॉट बना है, खरीद लीजिए ना सर। वहाँ प्लॉट खरीदने पर फ्लाइट फ्री है क्या? अभी दे देता हूँ। फ्लाइट कैसे देंगे सर? तो एयरपोर्ट के बगल में प्लॉट लेने का क्या फायदा, ये लो हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। सर बढ़िया एरिया है सर, अच्छा ऑफर है, 200 स्क्वायर फीट बस 2,00,000 का है। आप 2 साल आग बंद करके रख लीजिए, 10,00,000 का हो जाएगा। 2 साल अगर अपनी आँखें बंद कर लिए तो आँखें चली जाएंगी, उसका 50,00,000 होगा। सर सर ऐसा नहीं है सर, आप फनी हो सर, बैठ के बात करते हैं। हेलो सर, आई एम फ्रॉम सुवर्णभूमि। ये कौन है भाई? प्लॉट बेचने वाला है। चीप मत समझिए सर, स्टार्टिंग में 50,000 भर देंगे तो भी काफी है, बाकी का तू भरेगा क्या? सर सर रिसेंटली हमारे स्वर्ण भूमि में सामंता ने प्लॉट खरीदा है सर। तो क्या पता है के लिए बुक करे क्या? दुख रहा है सर। सर ईस्ट फेसिंग है सर, किस्मत बदल जाएगी। क्या किस्मत बदल जाएगी? मैं महेश बाबू और ये मोदी बन जाएगा क्या? हाई फाइव सर। चल भाई यहाँ रुकेंगे तो ऐसे ही पकाता रहेगा। सर सर वो प्लॉट खरीदने के बाद सामंता की किस्मत चमक गई थी सर। आपको एक खबर देता हूँ सर, अगर आप 10 प्लॉट किसी को दिला देंगे आपको एक प्लॉट फ्री देता हूँ। तूने क्या समझ के रखा है कि तेरी तरह बैग लटका कर दर दर जाके भीख मांगू कि प्लीज प्लॉट खरीद लो? हाँ। पढ़ाई लिखाई नहीं किया क्या? अरे क्या यार, इंटर फेल होगा और क्या, चलना यहाँ से। सर MBA हूँ। MBA? MBA पढ़ने के बाद भी ऐसे भीख मांगनी पड़ती है? नहीं सर। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरे ऑफिस में आ जाना, अपने एचआर से बात करके कोई जॉब दिलवा दूंगा। ऐसे बंधुआ मजदूर की तरह 10 से 5 काम करना मुझे पसंद नहीं है सर। I always wanted to be an entrepreneur. Entry free नहीं सर, read my lips. Entrepreneur. बंधुआ मजदूर नहीं बनना। अच्छा तो हम दोनों मजदूर हैं और तू जो भीख मांग रहा है वो सही है, तेरी तरह ब्रोकर नहीं बनना। खुद के पैरों पर खड़ा रहना ब्रोकर का काम नहीं है सर। तो हम क्या दूसरे के पैरों पर खड़े हैं? चलना। वो देख कंचना की फ्रेंड यार, क्या वो भी दूसरे के पैरों पर खड़ी है? चलना बाय एंटरप्रेन्योर। बाय यही रुक। क्या हो गया? विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब फॉरेन ले जाके लैंग्वेज सिखाते हैं क्या? ओह आई गॉट इट, इनकमिंग फ्री है ना, बाहर से इंपोर्ट करते होंगे यार। हेलो आंटी। बोलिए। कंचना जी से मिलना है। किस लिए? बस कुछ काम है। पर्पस ये है ना, इसकी शादी है। नमस्ते आंटी, स्वयं की शादी है, वेडिंग कार्ड देना है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, विजिटिंग कार्ड नहीं देना है, वेडिंग कार्ड हमें खुद ही देना होगा। तुम लोग उनके क्या लगते हो? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो क्या? हाँ जी। कभी देखा नहीं तुम्हें? हमने भी आपको कभी नहीं देखा। हु आर यू? ठीक है फोन नंबर दीजिए, कॉल करवा दूंगी। मुझे अभी गुस्सा आ जाएगा, मुझे उनसे फेस टू फेस मिलना है, आखिर एड्रेस देने में क्या प्रॉब्लम है? फोन नंबर देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फोन चला गया, वो किसी ने चोरी।
रिंगटोन अच्छा है। ये रिंगटोन नहीं है आंटी, अलार्म है। रोज इसी समय उठकर योगा करता हूँ। हाँ। मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं होता है क्या? सनराइज होते ही अंगड़ाई लेते ही संतूर साबुन मम्मी देती है, उसे घिस कर डैडी टॉवल देते हैं, उससे पोछ करके मैं क्या करता हूँ कि टूथपेस्ट पे नमक है कि नहीं ये सब देखकर टीवी में स्वामी जी का प्रवचन देखे बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। बिना स्त्री के शर्ट पहन के, बिना जिप के पैंट पहन के बाहर आके बाइक निकाल के स्पीड लिमिट क्रॉस करके पुलिस वाले पर रोकने पर उसे घूस दे के इस विषय को ट्विटर पे डाल करके फेसबुक में कहां है कंचना को ढूंढ कर उसे वेडिंग कार्ड देने के लिए आए हुए हम ISI मार्ग जैसे लोग, हमें ISI समझ रखा है। मंगलसूत्र के बिना शायद मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन कंचना के बिना मेरी शादी नहीं हो सकती है। बोलना भाई। भास्कर पगले, अब रुलाएगा क्या? हमारे रोने से इसे क्या लेना देना है? चल यहाँ से। बुलाया क्या? नहीं तो। नहीं बुलाया। और वैसे आप लोग रॉबिन हुड की तरह एक चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढते हुए आए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। हाँ दीजिए। हाँ दीजिए। कन्विंस हो गई? काम बन गया। लीजिए। वैसे मुझे शादी में नहीं बुलाएंगे क्या? अगर मेरी शादी हुई तो पहला कार्ड आपको ही दूंगा। कनकर राव केयर ऑफ कंचन माला, कंचन माला। घर अच्छा है यार। कनक राव केयर ऑफ कंचन माला। ये भाई होगा, अंकल होगा, क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पहुंच गए ना, रिश्ते भी मालूम पड़ जाएंगे। तो फिर मार दा। आई अबे घंटी मार दा। ओ सॉरी। कनक राव जी, गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम लोग? कंचना माला है क्या? यहाँ क्यों होगी? वो तो कब की जा चुकी है। बाहर गई है क्या? ऊपर चली गई। ऊपर चली गई? कब? 1970 की ग्लैमर क्वीन थी वो, उम्र हो गई थी तो चली गई। मैं कंचना माला हीरोइन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इस घर में जो कंचना माला रहती है उसके बारे में। कंचना माला है ना? कंचना माला अभी बुलाता हूँ उन्हें। बेटी कंचना माला, माला। आ जाओ, आओ। कंचन माला मतलब कुत्ते का बच्चा? ये तो किसी पागल का घर है, चल यहाँ से। वो ऐसे भागे कि किसी रनिंग रेस में उन्हें फर्स्ट प्लेस मिलने वाला हो। हाँ नहीं तो वो और उनकी ओवर एक्टिंग। उसने सोचा होगा बड़ी बड़ी लेंथी डायलॉग्स बोलेगा तो मैं उसे तेरा एड्रेस दे दूंगी। पागल कहीं का। अब बस कर, शांत हो जा। पता नहीं उन्होंने किस काम से मेरा एड्रेस मांगा। हाय दादाजी। बेटी कंचना, एक्सीडेंट के वक्त जिसने मेरी जान बचाई थी ना। हाँ हाँ। वो यही है बेटी। ओ हाय, आप है क्या? ये मेरी पोती कंचना है। प्लीज कम इन। आ जाओ आ जाओ। हाय कंचना। हाय। आप भी बैठिए। ओके। बेटी वैष्णवी। हाँ। कौन आया जरा देखो तो। अरे आप लोग, चलिए आखिरकार आ ही गए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, उस दिन आपने मेरे दादाजी की बहुत हेल्प की इसलिए। अरे उसमें क्या है। ठीक है, पर तुम उस दिन ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। वो पड़ोस में शायद कुत्ते पीछे पड़े होंगे दादाजी। कुत्तों से हमारी अच्छी बनती है दादाजी, बस इंसानों के साथ गड़बड़ है हमारी। तेरी तो। वैसे किस लिए बेटा? कंचना जी के लिए। कंचना की? हाँ। मेरे लिए? जी बिल्कुल, फ्रेंच क्लास ज्वाइन करनी थी इसलिए इंस्टीट्यूट गया था। ये लो बेटा, जूस पियो। थैंक्स आंटी। शादी की बात करके आपने ही मेरा एड्रेस मांगा था। जी बिल्कुल, एडमिशन के लिए। एडमिशन तो क्लोज हो गए हैं ना? हाँ सही कहा, एडमिशन आर क्लोज्ड। अरे हम भी तो अभी क्लोज हो गए ना। या हम क्लोज हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? शांत हो जाओ। बहुत बोलती है मोटे। मुझे इन्होंने बचाया, इसका मतलब ये सच में क्लोज हो गए हैं ना? बिल्कुल सही कहा दादाजी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटी। जी दादाजी। स्टाफ कोटा होगा ना, उसमें तो ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली दादाजी, ठीक है दादाजी, देखती हूँ। आपने ठीक है कहा, मतलब एडमिशन हो ही जाएगा। थैंक यू। अब हम चलते हैं आंटी। ठीक है बेटा। हम फ्रेंच इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। ये क्या, कंचना अभी तक आई नहीं? तो मैं जाकर ले आऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। गुड।
गुड मॉर्निंग कंचना जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टीचर. ये क्या आप इतनी जल्दी आ गए? सुबह इन लोगों ने ही तो गेट खोला था मैडम. और क्या, वॉचमैन की पोस्ट दे सकते हैं. वैसे हमारा एडमिशन प्रिंसिपल से मैंने बात कर ली है. हाँ. आपकी डिटेल्स चाहिए? ओह थैंक यू सो मच. हाँ नहीं चाहिए, डिटेल्स दोगे तो काफी है. ये दे देगा ना? मैं दे दूंगा, आप जाइए. आप आइए, आई विल शो यू द क्लासरूम. ठीक है चलिए. This is your classroom. आप नहीं आओगे क्या? अभी टाइम है. I'll join you later. Okay. Please. Good morning. Please sit down. Thank you, ma'am. Bonjour, Kanchana ji. Bonjour, Kapil. Please sit. Wow, wow. Friends ki class abhi start nahi hui. Abhi se friends pe baat kar raha. Sahi hai. Today we are going to learn some new words. Bonds powder ke ad ki tarah. उसके खाल देखना कितने मस्त है यार. मैंने वो ऐड नहीं देखा है भाई. एमोर लेफ्ट एडे एडेमी. कंचना जी, one second. मैंने last French class miss कर दी थी. थोड़ा explain कर दोगी क्या? French सीखने के लिए शायद France जाना होगा. Lunch के बाद explain कर दूँगी. Okay okay. Thanks. Bye. Thank you. और कुछ doubt हो तो जाके पूछ ले. आ गया, याद आ गया. याद आ गया? कंचना जी, one second. जी बोलिए. यहाँ French books कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी में. ओह लाइब्रेरी भी है? लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, 60 लेडी स्टूडेंट भी हैं. स्ट्रेट जाकर राइट ले लेना. ओके ओके. और भी कुछ पूछना है क्या? नहीं, ऑल डॉट्स क्लियर. धन्यवाद मैडम. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी टीचर है यार. सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कंचना जी ने कहा है. चल लाइब्रेरी चलते हैं. ठीक है चलना. जरा लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए. क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? हार्ट की 3 नसें ब्लॉक हो गई हैं. ऐसी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए. मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, थोड़ी महंगी हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए. डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अभी तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद 3-4 महीनों के बाद एक मेजर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी. वैसे डॉक्टर इसमें खर्चा कितना आएगा? मेरे ख्याल से 5-6 लाख के आसपास का खर्चा होगा. इतना अचानक तुमने बुलाया? EMI तो मैंने कल ही भरा था ना. कुछ नहीं राजू, इसने अमरावती के पास कुछ जमीन देखी है, उसके लिए इसे 25 लाख चाहिए कह रहा है. तो तुम्हें मैंने जो 25 लाख दिए ना, क्या वो तुम मुझे 5-6 दिन में दे सकते हो? इतने पैसे 4-5 दिनों में? तुम 15 साल से 5% इंटरेस्ट टाइम पर दे रहे हो ना, पर ये 15% देने के लिए कह रहा है. बात वो नहीं है अभी. मुश्किल है ना. ठीक है, तो फिर वो 15% तुम दे दो, मैं इसे मना कर दूंगा. उसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा. कंचना बेटी, कंचना
क्या हुआ? ये डॉक्यूमेंट्स तुमने अभी क्यों निकाले? सेठ का उधार चुकाने के लिए। हाँ तो भाई का घर बेच दोगे क्या? कैसे भूल गए कि इसकी माँ ने तुम्हें ये सौंपा था, इसकी शादी के लिए रखा था। अगर तुम इसे भी बेच दोगे तो ये सेंटिमेंट्स का टाइम नहीं है, सेटलमेंट का है। सुनो, ऑफिस में ऑडिटिंग का काम है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। रामाराव को फोन कर दिया है, तुम्हें वहाँ डॉक्यूमेंट्स देकर साइन करके पैसे लाने हैं। ठीक है चाचा जी, दे दीजिए। ठीक है, संभाल के जाना। हाय, आप यहाँ कैसे? यही मुझे पूछना है, आप यहाँ कैसे? सच सच बताओ या फिर झूठ बोलो। वैसे सच तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, पहले झूठ बोल लीजिए। वो मेरे डैड को मैसूर पाक बहुत पसंद है, तो 5 किलो खरीदने के लिए मैसूर जा रहा हूँ। और सच बताइए। वो बताना थोड़ा मुश्किल है। आप बैठिए ना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ रहेंगे तो फ्रेंड्स के साथ साथ बाकी लैंग्वेज भी सीख लेंगे। ए, कंचना क्यों नहीं आया यार, क्या हुआ होगा? चिंता मत करना। वो कपिल, हाँ एक मिनट रुक जरा। हेलो, हम क्लिक कार्ट से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। कंचना जी के लिए कैलिफोर्निया से कॉलीफ्लावर आया है, जल्द से जल्द डिलीवर करना है। कैलिफोर्निया से? हाँ। अरे वो तो मैसूर चली गई है। तेरे तो मैसूर गई है यार। ठीक है, हम अमेज़न से भेज देंगे। वैसे आप अमेज़न से हो या फ्लिपकार्ट से हो? ठीक है, खाओगी क्या? गई बेटी। जी चाचा जी। मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, सब ठीक से हो गया ना? हाँ हो गया चाचा जी। सिर्फ 20 लाख, 5 लाख कहां से लाऊं? ये तो 3 है, मैंने 5 बोला था। सॉरी यार, मेरी बेटी की फीस भरनी पड़ी। ठीक है, ऑफिस में ट्राई करता हूँ। मैं कम इन सर? हाँ राजू जी, आइए बैठिए। कोई बात नहीं सर, मुझे अर्जेंटली 2 लाख चाहिए था सर। 2 लाख चाहिए? हाँ जी सर, थोड़ी इमरजेंसी है सर। अभी के अभी इतना अमाउंट मुश्किल है। एक मिनट, अभी 1 लाख दे दूँ चलेगा क्या? ठीक है सर, हर महीने की सैलरी से कटेगा। ओके सर, थैंक यू सर। अभी भी 1 लाख कम पड़ रहे हैं, कहाँ से अरेंज करूँ? क्या हुआ जी, पैसे अरेंज नहीं हो पाए? 1 लाख कम है अभी भी। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए, आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। पूरे 25 लाख है, पैसे गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है, तुमने दिए तो ठीक ही होंगे। चलता हूँ। ठीक है। सोचा था मस्त बिरयानी खिलाएगा, पानी पूरी खिला रहा है। तुझे पसंद नहीं है? बात वो नहीं है यार, कनेक्शन जुड़ गया क्या? फोन सही होगा तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। अबे मैंने फोन नहीं पूछा, कंचना के बारे में पूछा। ओ, कंचना के बारे में? हाँ। Actually, we were traveling in the bus. हैं। वुडी एलन ने क्या कहा है पता है? वुडी एलन कौन है? Hey, मुझे नहीं पता, बोलना। हार्ट वॉन्ट्स।
what it wants. हाँ. But her situation is very pathetic, you know. हाँ. Basically being one side love. Hey, बस करना. तेरी बातें सुनने से अच्छा पानी पूरी खा लूँ. भाई, 10 पानी पूरी दे. Shit. Sorry, boss. Sorry. Sorry, boss. Sorry. Boss, really sorry. Hey, तू फिर से? तुझे लाइसेंस किसने दिया है? Please try to understand, man. I'm in a hurry, किस okay? बात की हरी भाई? चार लोग उड़ा के जाएगा क्या? हाँ. Hello. Priya. Priya. Priya कौन है? तेरी girlfriend है? Yes, boss. Priya is my girlfriend. What's your problem, man? Oh, सही है. उस दिन meeting थी, आज क्या है? अभी dating पे होगा ये. Priya. Hey, चल phone दे. Priya, ओ Priya. Hey, तेरी problem क्या है यार? Problem मेरी नहीं है, boss. वो देख, उसकी है. उसकी पूरी फैमिली इसी के भरोसे जी रही है. तुझ जैसे कोई कहां समझ आएगा? भैया, कितना नुकसान हुआ? 20,000 रुपए सर. 20,000 निकाल, जल्दी निकाल. 20,000 रुपए. हाँ, 20,000 रुपए. हाँ, 20,000. जस्ट कह रहा यार. Oh, shit. Just keep my card, man. Just take how much ever you want. Just withdraw how much you want. Hey, हम लोग तुझे वेटर नजर आ रहे हैं. खुद जाके विड्रा करके ला जा. Excuse me, can I go? Hey, चल पीछे लाइन में आ. हमें नहीं चाहिए, चाहिए इसे, इसे दे दे. बराबर है ना? थैंक यू सर. तेरी गर्लफ्रेंड प्रिया ना बहुत कॉल कर रही है. ब्रो, शर्ट्स बहुत अच्छा है. अरे बेटा, उठ जा. क्या हुआ माँ? क्या बात है? कार्तिक महीने में सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए. उठना बेटा, नहा ले प्लीज. माँ, अपने पति को ले जा. देखो उन्हें. अरे चाय मारो. चाय दो बोलना चाहिए तो चाय मारो कह रहे हैं. प्लीज माँ, मुझे सोने दो ना. फोन किसका है? कंचना. हेलो. सॉरी. किस लिए? तुम शायद सो रहे थे. नहीं नहीं, अभी जॉगिंग करके आया हूँ. ओके, तो 10 मिनट में आ सकते हो क्या? तुम कहो तो 10 सेकंड्स में भी आ सकता हूँ. बस अभी आया. यस. किस लिए बुलाया होगा इतनी सुबह सुबह? हाय. सारी बहुत अच्छी है. थैंक यू. लेट्स गो. वन सेकेंड. किस लिए? नहीं सारी है ना, अगर गंदी हो गई तो. दिया लगा कर आती हूँ. कपिल है, तेंदुलकर नहीं, मेरे बाप ने रखा है. तेरा बाप यहीं खड़ा है. डैड. हाँ. आप यहाँ कैसे? मैच में बारिश वहाँ और पूजा यहाँ. और माँ कहाँ है? वो देखो वहाँ. वैसे तू कैसे यहाँ? डैड, दरअसल वो लड़की वहाँ है. ए, तू यहाँ कैसे? ए, लड़की वहाँ. हाँ? कौन है वो लड़की? अगर हम मान जाएंगे तो हमारी बहू बन जाएगी. हमें बताया क्यों नहीं?
उसे यहाँ बुलाओ और खुद ही पूछ लो। देखो कितनी प्यारी है ये। इन सब मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। कपिल चले क्या? हाँ हाँ चलते हैं। कहाँ चले? वही उसके घर पर। कंचना ये मेरे डैड मॉम मतलब डैड और मॉम। अरे पटौदी शर्मिला टैगोर। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कार्तिक महीने में रोज मंदिर आती हो? जी आंटी। अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से आज ये तो आया। माँ सही तो है ना, तुम्हारी माँ बुला रही थी तो नींद आ रही थी, अब वो लड़की बुला रही तो मूड बन रहा है, चुप हो जाता है। कभी घर आना बेटी। हाँ श्योर आंटी। इसे घर लेकर आ। माँ बस करो, ओवर एक्टिंग हो रही है। माँ वो कंचना को देर हो रही है, मैं ड्रॉप करके आता हूँ। कंचना चले। हाँ ठीक है, बाय आंटी। बाय बेटा। बाय। परसों ले आ, मुहूर्त अच्छा है और मैच भी नहीं, मैं फ्री रहूंगा। ए कपिल। हाँ? लेट मत करना। वो क्या है ना बेटी, ये तुम्हें घर लाने में ज्यादा देरी ना करे। चलते एक मिनट। हाँ क्या हो गया इसे? एक सेकंड। प्रॉब्लम है बाइक में? वन सेकंड। वैष्णवी मेरा चश्मा कहाँ है? पापा आपका चश्मा। पापा आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है बताओ? एक्चुअली सिचुएशन इज सेंसिटिव बट आई डोंट नो हाउ टू कन्वे। ए बोलना क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था ना, अपने अफेयर के बारे में खुद ही बताओ। मुझे डैडी से डर लगता है मम्मी। क्या हो गया ये तुमने? वो जी हमारी कंचना को एक लड़का पसंद है। वही लड़का जिसने उसने मुझे एक्सीडेंट में बचाया था, वही। उसे अंकल के साथ गांव गई थी, ये पापा को बताना चाहिए क्या? ए, चुप हो जा, चुप। सुनिए जी, कंचना के साथ जाकर उसी ने इसकी मदद की थी। मंदिर में दीदी उस लड़के के माता पिता से मिली थी, ये बात बताना चाहिए या नहीं? मतलब सब कुछ तय हो चुका है। ये तो कुछ भी बोलता है ना जी, मंदिर में तो ऐसे ही इत्तफाक से मिल गए थे। और चाचा जी फैमिली भी अच्छी है, मुझे यकीन है कि वो लड़का मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। अगर तुम एक बार उससे बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आज शाम को मेरे ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट है वहां बुला लो।
बेटी ना, ऑल द बेस्ट। पहले ही लेट हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, लिफ्ट लिफ्ट। सर बाइक खराब हो गई है, आ जाओ। लिफ्ट चाहिए थी, वन सेकेंड। ओके ओके। हाँ बोलो बेबी। कहाँ हो? बाइक खराब हो गई थी तो एक अंकल ने लिफ्ट दे दी। तुम्हें कहीं अर्जेंट जाना है ऐसा कहकर अंकल से कहो ना माधवपुर तक ड्रॉप कर दे। ओके एक सेकंड। अंकल आप कहाँ तक जा रहे हैं? माधवपुर जा रहा हूँ। डोंट वरी, अंकल मुझे ड्रॉप कर देंगे। तुम कुछ ऑर्डर मत करना, मैं आकर ऑर्डर दे दूंगा। अंकल पर इंप्रेशन जमाने ना। ओके बाय बेबी। बाय। काम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रोटेक में जॉब है। सैलरी कितनी है? अराउंड 60K कमा लेता हूँ। हाँ बोलो माँ। बेटा फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा समझ गया, फोन का रिचार्ज करवा दूंगा। ठीक है ओके, बाद में बात करता हूँ, बाय। अंकल बस यहीं रोक दीजिए। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। ओके ओके। लड़का आया नहीं क्या? ऑन द वे है, आता ही होगा चाचा जी। चाचा जी। हाँ वही है। हाँ माँ रिचार्ज हो गया ना? अरे इसे तो मैंने लिफ्ट दी थी। सॉरी चाचा जी, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ क्या? मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ ऑर्डर करना चाहता था। इसे ऑर्डर करने दो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है माँ। डैड क्या हुआ? बेटी डरे क्यों? बेटी बेटी ये इन्हें रोक। क्या प्रॉब्लम है? लास्ट टाइम ये 20,000 हारा था। हाँ और अभी ये 50,000 रुपए हार के पैसे दिए बगैर टॉयलेट से भाग गया। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। भाई मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है, 4 दिन में पूरे दे दूंगा। प्लीज भाई मुझे कुछ नहीं सुनना है, पैसे दे और जा। मैं कह रहा हूँ ना लौटा दूंगा। अरे भाई हमारे क्लब में टॉयलेट क्लीन करने वाला काम छोड़ कर गया है, इसे लेकर जाते हैं। अच्छा आइडिया है, ए लेके चल। भाई भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, बस 2 दिन दीजिए, 2 दिन में दे दूंगा भाई। सुनिए अच्छे से बात कर रहा हूँ तो कॉलर क्यों पकड़ रहा है? सॉरी लगी क्या? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना 2 दिन में दे दूंगा, जबरदस्ती की तो बहुत मारूंगा। मारेगा क्या, ज्यादा बोल रहा है। प्लीज भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आज तेरे बाप को लेके ही जाऊंगा। लेके आ बे। ये तो इशारे में डर गया। सिक्सर, भाई ये तो यहाँ पर भी क्रिकेट खेल रहा है। सिक्सर, सिक्सर। अरे पौधा वेस्ट हो गया यार, तू जा रहे? नहीं रहने दो भाई, जा। ये ले, नया खरीद ले। क्या बोला था भाई? मेरे डैड से टॉयलेट क्लीन करवाएगा, टॉयलेट क्लीन करवाएगा। तू मुझसे टॉयलेट क्लीन करवाने वाला था ना? चलो एक्चुअली चाचा जी घर बात करेंगे, चलो लास्ट विकेट, लास्ट विकेट। क्या बात है?
रहा था दादाजी, कपिल के पापा को कोई मारने जा रहा था इसलिए उसे गुस्सा आया। किसी बेटी के सामने उसके बाप को मारेंगे तो गुस्सा आएगा ही ना। वैसे वो उस झगड़े के बीच में चला गया इसलिए तुम्हारे चाचा जी तुम्हें घर ले आए। तुम एक काम करो, उस लड़के को फोन करो, उसे घर बुलाओ, हम यहाँ बात करेंगे। सॉरी सर, वहाँ अनजाने में झगड़ा हो गया, ऐसा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मेरे डैड को मार रहे थे तो मैंने। तुम्हारे पिता को मारना ही सही है, उन्हें पीटना ही चाहिए। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं अपनी जिंदगी में जिसे दोबारा देखना नहीं चाहता था उसे मुझे देखना पड़ा। वो और कोई नहीं, तुम्हारे पिता हैं, जिसका नाम है कमलाकर, बल्कि जुआरी कमलाकर। मेरे पिता के बारे में आपको कैसे पता? उसने आनंदपुर में 2000 से 2005 तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम किया है। उसके बाद उसने गांव छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, तुम्हारा बाप गांव छोड़कर भाग गया। सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता है? श्रीनिवास नाम के आदमी को जानते हो तुम? तुम्हें क्या पता, मेरे बड़े भैया तुम्हारे बाप के क्लोज फ्रेंड थे। वो जिनमें कोई ऐब नहीं था मेरे उस भाई ने तुम्हारे पिता के लिए फर्स्ट टाइम बेटिंग क्लब की दहलीज पार की थी उन्होंने। अरे कमलाकर, अरे सीनू, तुम यहाँ कैसे आ गए? बैठ यार, बस 5000 दे देना प्लीज प्लीज। घर में पैसे नहीं है और अपने महीने भर की तनख्वाह इसमें बर्बाद कर रहे हो। चलो उठो, उठो अभी। अरे सिर्फ 5000 यार, अगर ये हार गया ना तो पूरी जिंदगी नहीं खेलूंगा मैं, मेरी बेटी की कसम। दे दे प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार तुम लाइफ में फिर कभी भी नहीं खेलोगे, तेरी कसम। श्योर, प्रॉमिस। ये लो पकड़ो, खेलो और जल्दी चलते हैं यहाँ से। ये ले 5000 लगा दे। चौका मार, चौका मार, चौका मार, चौका मार। फोर 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 फोर, गुड जॉब हमारा। अरे 10000 हो गए यार, तेरा हाथ तो बहुत लकी भाई। ए, बस कर, जरूरी नहीं बार बार जीतेगा, चल निकलते यहाँ से। ए, तूने 5000 दिए थे वो 10 हो गए, 10 लगाऊंगा तो 20 हो जाएंगे। देख तू मेरे लिए बहुत लकी है, मेरी जिंदगी में दोबारा बैटिंग नहीं करूंगा। ओके यार चलते हैं यहाँ से, चलना। एक बार यार तेरी कसम, प्लीज तू लगा दे भाई, लगा दे लगा दे। एक और चौका, एक और चौका। फोर 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 फोर, ओए मार दिया चौका। माय लकी फ्रेंड, लकी फ्रेंड, लकी फ्रेंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख तुझे बोला था तू बहुत लकी है, तेरा फ्यूचर बैटिंग में बहुत ब्राइट है, लगा ना। ए, कमला का, वो 20 भी लगा दे यार, वो 20 लगा दे। यस, क्या बात है, 50000 जीत गया, अब 2,00,000 भी लगा दे। भैया क्यों भाई, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। अरे आज किसका मैच है? इंडिया श्रीलंका है शायद। श्रीलंका ही जीतेगा देखना। बैटिंग में तो तूने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। चला पशुपति, 5,00,000 रुपए लगा दे। मेरे पैसों का क्या होगा? मेरा घर तेरे नाम पे कर दूंगा। कब देगा तू? मैंने जो गलती की है मेरे परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मुझे माफ कर देना। उसके पीछे की वजह को मैंने आज तक अपने परिवार वालों को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपने पिता की नजरों में अपने भाई की इज्जत को कम नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए आज मेरे भाई तो नहीं है पर उनका लिया हुआ कर्जा है। 15 साल से हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा बाप है। कंचना में मैं अपने भैया को देखता हूँ, इसने एक छोटी सी स्कूटी मांगी थी, कोई कार खरीद कर नहीं देना था मुझे पर नहीं दे सका, वजह तुम्हारा बाप है।
इसकी शादी के लिए बचा कर रखा हुआ घर भी हमें मजबूरन बेचना पड़ा। तुम तो वहीं थे ना? इन सब की वजह तुम्हारा बाप है। अब बताओ तुम, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या कंचना को तुम्हारे घर में विदा करते? बोलो। नहीं करता सर। चले जाओ यहां से। तुम दोनों को मैं ऐसे दुखी नहीं देख सकता हूं। मेरा दिल टूट जाता है। मुझे तुमसे खास बात करनी है। कभी अगर किसी का कोई भाई मर जाता है तो लोग उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, पर मेरे राजू ने अपने भाई की इज्जत बचानी चाहिए। क्या उसके बारे में बताने के लिए इतना काफी नहीं है? हाँ, पर एक चीज है, वो अगर कुछ ठान लेता है ना तो भगवान भी आजा पलट नहीं सकता। असल में वो तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं कर रहा ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। उन्हें राजी करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना है ये तुम्हें तुम्हारा अनुभव सिखाएगा। देखो, तुम्हें जब जब मेरा बेटा देखता है तो उसे तुम्हारे पिता की याद आती है, तो तुम्हें उसकी नजर में आना होगा। इसलिए तुम्हें तुम दोनों को यहाँ पर लेकर मैं नहीं लेकर आया हूँ, तुम खुद आए हो। क्यों आए मुझे नहीं पता, मैं तो मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैसे तुम्हारे दादाजी ने क्या बोला? भगवान भी आकर बोलेंगे तब भी चाचा जी नहीं मानेंगे। उसके बाद? हाँ। मैं नहीं बोलूंगा, दिमाग लगाओ। ओ, कुछ ऐसा करो कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। कर लेंगे। वो कैसे? May I come in, sir? Come in, please. Have a seat. Thank you, sir. Naam Kapil, qualification B.Tech, tech solution mein job and salary is around 60K, am I right? Sir, meri details aapko... Aise pata chal jata hai. Oh. Achha, tumhare saath saath ek dark, decent and dignified aadmi tha na? Decent guy? Wo tumhara dost, aaya hai kya? Oh, achha, wo bahar hai, sir. तुम दोनों का जॉब कंफर्म। जॉब कंफर्म? हाँ हाँ। सर, आपने तो इंटरव्यू भी नहीं लिया। ये कोई आईपीएस का जॉब है क्या? प्लॉट बेचने का जॉब है, ऐसे दे देते हैं। ओह, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, विद प्लेजर। सर, छोटा सा डाउट है। बोल दो। आपको मैंने पहले कहीं देखा है सर? कल वो डार्क डिग्निफाइड और डिसेंट गाय के साथ आओगे ना तो जवाब मिल जाएगा। ओह, शार्प 9 o'clock ऑफिस में आ जाना। श्योर सर। बहुत काम है। से पहले कहीं तो मिला भाई। 8:50, 10 मिनट पहले ही आ गए। हाँ यार। ओह, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। ए, चलना। मैडम, काजू कतली हमारे यहाँ का फेमस, ऑफिस में सबको बांट दीजिए ना। आप भी ले लीजिएगा। आई एम एग्जीक्यूटिव सेल्स बॉस। यस, कम ऑन। रामू, इस चेक को जल्दी से डिपॉजिट कर। सर, स्वीट्स। सर, जॉब का पहला दिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए। शुगर फ्री है सर, यू कैन हैव इट। चलो। तुम्हारे ससुर जी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, इसलिए थोड़े कैलकुलेटेड हैं। वैसे भी स्वीट्स हम इनके लिए लेकर थोड़े आए थे, वो तो मैनेजर के लिए, तुझे देख के और मुझे बिना देखे जॉब देने के लिए। मैं खुद ही ले जाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा। डियर बॉयज, आज हमारी टीम में 2 नए लोग ज्वाइन होने वाले हैं। कौन है सर वो? वो देखो, वही है। एक लेजेंड है, एक सेलिब्रिटी है। भाई, क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है? वही तो यार, मैं भी कल से सोच रहा हूँ। भैया, कैफे में जिसका क्लास लिया था भैया। मेरे ऑफिस आ जाना, एचआर से बात करके जॉब दिलवा दूंगा। अरे हाँ, हाँ। ये तो वही है। ऐसे शॉक क्यों हो गए हो? वेलकम कपिल जी, एंड वेलकम माय डियर डार्क एंड डिग्निफाइड एंड डीसेंट श्रीनिवास रेड्डी। आज तो गए काम से। बैठिए ना सर। तो हम अक्सर किसी भी कैंटीन में कस्टमर से मिलते रहते हैं। सर, एयरपोर्ट के पास प्लॉट है, आप खरीदना चाहेंगे? प्लॉट खरीदने पर फ्लाइट फ्री देंगे, ऐसा कोई जवाब देता है? ऐसा हमने तो बोला था। हमने? हम फ्लाइट नहीं दे सकते ऐसा कहेंगे, तो एयरपोर्ट के पास वाला प्लॉट हम क्यों खरीदेंगे? कहते हैं ना श्रीनिवास जी, कहा ही जाता होगा सर। कहेंगे तभी हम नेक्स्ट ऑफर देते हैं। सर, 200 square feet बस 2 लाख का है। 2 साल अगर आग बंद करके रखेंगे तो 10 लाख का हो जाएगा। ये भी कहा था तुमने। 2 साल अगर आंख बंद करके रखेंगे तो आंख ही चली जाएगी, उसका 50 लाख लगेगा। ऐसा पंच कौन मारता है? पंच क्या? सोचेंगे ना श्रीनिवास रेड्डी। सोचते होंगे सर। सोचेंगे। ठीक है, इसके साथ वैसे भी वर्कआउट नहीं होगा, उसके साथ वाले को ट्राई करते हैं, तो हम उससे बात करेंगे। भाई, नेक्स्ट तू ही है। चुप करना। सर, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप 10 प्लॉट किसी को बिकवा दें तो आपको 1 प्लॉट फ्री देंगे। अच्छा ऑफर है ना?
तो ये बोलते हैं hey! तुझे मैं क्या नजर आ रहा हूँ बे, बैग लटकाने वाला भिखारी नजर आ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं ना कपिल जी, कहा ही होगा सर। कहा होगा क्या, कहा ही था यार। सो कुछ कस्टमर्स चिल्लाएंगे, कुछ काटेंगे, कुछ सटायर के साथ चुभेंगे, पर एक बात याद रखना दोस्तों, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। मतलब क्या है श्रीनिवास रेड्डी? हर कुत्ते का एक दिन आता है सर। एक्सट्रीमली गुड ट्रांसलेशन, तुझे देख लूंगा बे। सो गाइस, क्या कहा बे? तुझे देख लूंगा ऐसा बोला। वो थूकेंगे तो साफ कर दो, पर प्लॉट तो बेचना ही होगा। आज से आपकी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट, कम ऑन चीयर अप गाइस। हे, हाय। हे, तुम यहाँ कैसे? हे, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मेरे चाचा जी को इम्प्रेस करने के लिए तुमने वो जॉब छोड़ी ना? यस। है ना? आई न्यू इट। सुपर आइडिया। थैंक्स यार। रात को कोई मूवी देखने चले क्या? सही कहा था, तुम्हारे दादाजी ने कहा था ना, भगवान भी कहेंगे तो भी नहीं मानेंगे। क्या हुआ? पहले मुझे उनका भरोसा जीतना होगा कि मैं अपने डैड को किसी भी तरह बदल दूंगा, जो कि उनसे दूर रह के नहीं हो पाएगा। कैसा लगा आइडिया? नॉट बैड। तो इस बात पर हक बनता है। वो तुम फ्रेंच टीचर हो ना? हाँ। I have my expectations। क्या है तुम्हारी expectations? वही, you know। जाकर काम करो। What? जाकर अपना काम करो। Come on यार। Bye। Bye। Bye baby। Day one। भाई हाँ। मुझे बहुत excitement हो रही है। हाँ यार, भजन भी बज रहे हैं। हाँ। अच्छा time है। चल। कौशल्या, सुप्रजा, रामा, पूर्वम, संध्या, पूरे पांच लोग हैं। काम हो जाएगा भाई? क्या काम हो जाएगा? बता मुझे, चार दिनों से दूध और पेपर चुराने वाले तुम ही दोनों हो ना? सर, हम स्वर्ण भूमि से आए हैं। ओहो, यहाँ से चुरा कर वहाँ बेच रहे हो तुम दोनों? नहीं सर, रंग बिरंगा इश्तिहार है इस घर का, स्वर्ण भूमि। चाहिए तो ब्रोशर मेरे पेपर का पैम्पलेट चोरी करके मुझे ही कहानियाँ सुना रहे हो क्या? नहीं सर, हम प्लॉट बेचने के लिए आए हैं। ओहो, तुम प्लॉट बेचने के लिए आए हो या मेरे दूध का पैकेट चुराने आए हो, अभी पता चल जाएगा। अरे लावण्या, सब्जी काटने वाला चाकू लाना। क्यों सर, ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं? हम लोग खा कर आए हैं सर। अरे नहीं, मर्डर प्लान कर रहा हूँ। नमस्ते लावण्या जी। अरे क्यों ए, भागता क्यों है? मारने तो दे। डे टू। हाँ। भाई हाँ। गेट खुलाइए। ऑल द बेस्ट। वो रहे। हाँ? सर की शक्ल कहाँ है? नीचे देखिए। सर सीधी पोजीशन में कब आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। हाँ। आपको उस पोजीशन में बात करनी होगी। ओह सुन भाई, पहले तू करना। प्लीज यार। हाँ। मेरा दोस्त है ना। सर, स्वर्ण भूमि वेंचर्स से आए हैं सर। पंचर बनाते हो क्या? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। पंचर नहीं है सर, वेंचर है। सुनाई नहीं दिया सर, उन्हें राइट में नहीं सुनाई देता। वन वे ट्रैफिक है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे बाप रे, मुझे शर्म आती है। शर्मा क्यों रही है? अरे भाई यहाँ पर आजा। अबे तू यहाँ पकड़, उठा। सर हमसे प्लॉट खरीदोगे क्या? तो फिर तुम आसन करने के लिए नहीं आए हो क्या? प्लॉट बेचने के लिए आए सर। एक मिनट सर, नाक क्यों बंद कर रहे हैं? सुसाइड करेंगे क्या? इसे शीर्षासन शवासन कहते हैं। अब आए हो ना तो तुम भी करो। हम करेंगे तो मरी जाएंगे सर। अबे उल्टे पलटे, तुझे प्लॉट की क्या जरूरत है? तू दीवार पे ही चिपका रहा है। कल से ज्वाइन करेंगे क्या? ओ भाई हाँ? ये थोड़ा बहरा नहीं है, पूरा बहरा है। चल यहाँ से चलते हैं। तू मर जाए यहीं पे। डे थ्री। चल यार। सेवंथ फ्लोर है। ओके यार। ये लिफ्ट काम नहीं करती है। तो तुम कैसे जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद आएंगे। Who lets the dogs out? भौ, भौ। Who lets the dogs out? भौ। दादाजी। है। Call me grandma, okay? नमस्ते grandma जी। हम स्वर्ण भूमि से आए हैं। Hi guys, please come. मेरे grandson ने फोन करके तुम्हें ही बुलाया ना? हाँ बिल्कुल, वो कहाँ है? नहाने गए हैं, कह कर गए हैं कि 5 plots buy करने हैं। 5 plots? हाँ। वाटर, वाटर कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर में कैन रखे हैं। सॉरी, आज हाउसमेट नहीं आई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। भाई हाँ, 7 फ्लोर है यार। हाँ, 5 प्लॉट्स हैं। ओके। हाँ। बेचार,
मेहनत करके ऊपर आए थे। कॉफी पिलानी थी पर दूध नहीं। मैं समझ गया, वो भी नीचे मिलेगा ना। सो क्यूट। अरे भाई दूध का पैकेट भी नीचे ही है। टेंशन ना ले, वो मेरे मुंह में है। तू दिमाग यूज करने लगा यार, चला जा। थैंक्स। पानी कहाँ रखूं? वहां पर। ओके। अरे कॉफी डाल। दादी जी कॉफी। ओ थैंक यू। टेस्ट कीजिए दादी जी। फंटास्टिक। थैंक यू। अभी के अभी तुम्हें एडवांस देने का मन कर रहा है। दीदी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे है, घर इतना डर्टी है कि। मैं समझ गया। मुझे भी समझ में आ गया। क्लेवर बॉय, आई अप्रिशिएट यू। आप रिलैक्स होके ऐसे ही बैठिए। तू झाड़ू लेकर आ, मैं कपड़े वॉश करता हूं। All clear. ये साफ कर दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। चेक देना confirm. क्या कहा इसने? छह महीने से रेंट तो दिया नहीं। क्या बोल रहे हैं? यकीन ना हो तो पूछ लो। क्यों ग्रैंडमा? आपने सच में रेंट नहीं भरा क्या? हम लोग को उल्लू बना के सारा काम करवा लिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुझे तो कर। इस उड़िया को तो भाई 3 दिन से घूम रहे, एक भी प्लॉट नहीं बेच पाए। ऊपर से लेने के देने पड़ गए यार। हाँ यार भाई। हाँ। अपना बॉस है। अच्छा स्पीकर पे डाल। हेलो। काम हुआ कि नहीं? हो जाएगा सर। अच्छा काम खत्म हो गया या तुम? ये क्या सर? फर्स्ट डे कोई चाकू लेकर आया था क्या? लेकर आया था सर। और दूसरे ने शीर्षासन करवाया क्या? करवाया सर। तो तीसरी बुड्ढी ने वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल किया क्या? जहाँ जहाँ साफ नहीं कर सकता वहाँ भी करवाया सर। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब कुछ देख रहे हो सर। वो सब मेरे पुराने कस्टमर्स हैं गधो, मैंने तुम्हें जानबूझकर उनके पास भेजा था। वैसे मेरे पास बैंकिंग है, भेजू क्या? अब क्या जरूरत है सर? कक्षो कक्षस्य कक्षा विहा बायरे बफलो। इस असभ्य मनुष्य ने हमें क्या मैसेज दिया यार? जरा फिर से बोला, क्या कहा उसने? कक्षो कक्षस्य। उससे पहले क्या कहा? कुछ बैंकिंग ऐसा कुछ बोला। हाँ फॉलो। अब बैंक भी साफ करना पड़ेगा। मर गए। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन सर। ओके कपिल। ए हटा बे। अरे वहां देखो ना, इसमें सारी डिटेल्स लिखी। ओके कपिल, ऑल द बेस्ट। चल सर। ये प्लॉट शमशान। चल निकल। ए अब पकड़ में आया ना अकेले में? उस दिन भी तो अकेले ही था भाई। ए तेरा सेटअप तो बहुत अच्छा है, वहां तेरा बाप सट्टा खेल के पैसे उड़ाता है और तू टेंट लगा के जनता को धोखा दे रहा है। अच्छा है तुम दोनों का धंधा। भाई 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 भाई, तुम्हारे पैसे मैं पक्का 2 दिन में दे दूंगा, झगड़ा मत करो। बैंक वालों ने अभी परमिशन दिया है, प्लीज भाई। उन्होंने चाहे परमिशन दे दिया, मैं नहीं दूंगा। अबे ये तो छोड़, पूरे शहर में तुझे कहीं टेंट लगाने का परमिशन नहीं है। ए उखाड़ दे सब। ओके भाई प्लीज भाई। चल रहे, हट हट। 2 दिन में दे दूंगा भाई। हाँ इसको भी। मेरी बात तो सुनो। अरे ए वो टेंट भी उखाड़ दे। चल निकल भाई प्लीज। भाई मत करो ऐसा, प्लीज मैं दे दूंगा। चल। क्यों बे, उसने मार खाया काफी नहीं है क्या? आज और मार खाने आया है क्या यहाँ? भाभी भाभी भाभी, I'm sorry भाभी, मैं समझाता हूँ इनको। Get out. Last time बाप को मारा था तो हड्डी टूटी थी, इसे हाथ लगाया तो जान जाएगी। चलो। पहल सर, ये कैश लेकर। एडवांस है क्या सर? इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो तुम? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, कस्टमर ने दिया है। ये कैश ले जाकर राजू जी को देकर बैंक में डिपॉजिट करवा दो। समझा क्या बोला? वो मेरा एडवांस। अरे तेरा एडवांस क्या भाड़ में? क्या एडवांस का रट लगा के बैठा है? जाके ये काम कर। सॉरी सर। जाओ। ये कैश किसका है सर? राजू जी को देने के लिए हरीश जी ने दिया है। ठीक है मुझे दीजिए, मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा सर। एक सेकंड। हाँ बोलो बेबी। ये लो। तो तुम सबको मैंने एक टारगेट दिया था ये सेल्स मीटिंग में। तुम्हारा टारगेट क्या है तुम्हें पता है? वो तुमने अचीव किया या नहीं ये मुझे पता होना चाहिए, तुम बताओ। मैंने 3 प्लॉट्स बेचे हैं सर। गुड गुड। तुम? 5 प्लॉट्स बेचे सर। वाओ नॉट बैड, वेरी नाइस।
और तुम? मैंने 8 प्लॉट बेचे सर। फैंटास्टिक। वाओ। ये ले। अबे तुझे और कोई काम नहीं है क्या? सो डैम गुड, तुम सबने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। इट्स अमेजिंग। एंड नाउ एक लेजेंड, एक सेलिब्रिटी, द टैलेंटेड डियो, आपका प्रोग्रेस क्या है सर? सर हे हे हे, 5 प्लॉट्स क्या? 10 प्लॉट्स? 15 प्लॉट्स? सर बल्क में बुक करने का प्लान कर रहे हैं सर। प्लान हम बनाएंगे सर। प्लॉट आपको बेचना है, टारगेट रीच करना होगा। राजू जी ये 3 दिनों में मिनिमम 5 प्लॉट्स अगर बुक नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल देंगे क्या सर? इतना इजीली कैसे छोड़ूंगा श्रीनिवास रेड्डी, इसी रूम में इन सब को आई एम सॉरी आई एम अनफिट फॉर दिस जॉब कहना होगा। सर उसकी जरूरत नहीं है सर, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। ओके देखते हैं कपिल जी, चलिए यार। वी विल रीच द टारगेट। हाय इज इट कपिल? या मैं सिंफनी कम्युनिकेशन का एमडी बोल रहा हूँ। हमने आपका ब्रोशर देखा, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज को कुछ 50 प्लॉट चाहिए, हो जाएगा क्या? श्योर सर, व्हेन कैन आई मीट यू? कल सुबह 7 बजे मेरे घर पे आ जाओ। ओह विल सिट एंड डिस्कस। अपना एड्रेस व्हाट्सएप करता हूं। थैंक यू सर। जस्ट मेक श्योर बल्क में 50 प्लॉट्स, 3 दिनों में डील डन होगी। यस बल्क में 50 प्लॉट्स, अगर 3 दिनों में डील डन हो गई तो रेड कार्पेट डाल के सम्मान करूंगा। डन सर। ए चलिए यार, रेड कार्पेट तैयार रखिएगा। कपिल? या है कपिल। हाय सर, प्लीज सिट। थैंक यू, ये हमारा ब्रोशर है। कॉफी? ओके सर। कविता 2 कॉफीज। अभी लाती हूँ। सर ये आपके 50 प्लॉट्स का प्लान है। ओके इस वेंचर में सारी फैसिलिटीज। हेलो या आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। हे आई गॉट टू गो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तू मेरे ऑफिस आ जाना, वहीं बात कर लेंगे। ओके सर। श्योर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स। या दिस मंथ 15, या द डेट इज कंफर्म। एक्सक्यूज मी, आई यू मिस्टर कपिल? या एमडी सर ने आपको रिसॉर्ट पे बुलाया है, इफ यू डोंट माइंड। ओके थैंक यू। हमारी कंपनी बोनस के तौर पे आप सबको एक एक प्लॉट गिफ्ट देने वाली है। बोलो बेबी। सुनिए ना। क्या कहा? सुनिए। अरे बाप रे, इतनी जल्दी प्रमोट कर दिया? कहाँ है? क्लाइंट के पास आया हूँ, उन्हें 50 प्लॉट्स खरीदने थे तो वहीं आया हूँ बस कंफर्म करने के लिए। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। बाय द वे शाम को क्या? एक सेकंड, मैं भी कॉल करता हूँ। सर 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 मे आई कम इन सर? हे कपिल कम इन। हमारे लोगों को ये वेंचर बहुत पसंद आया है। थैंक यू सर। कुछ 50 प्लॉट्स खरीदने की सोच रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 15 to 2 lakhs, टोटल 1 crore। ओह ओके श्योर। चेक किसके नाम पे देना है? सर स्वर्णभूमि। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस शाम, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। तुम्हें जैसा कहा था वैसा ही किया तुमने। ए श्याम, कैरेक्टर में इन्वॉल्व होके कहीं तू चेक पर साइन करने की तो नहीं सोच रहा था? कम ऑन ब्रो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा शैडो हूं, असली मालिक तो तुम हो। एक अनजान बुड्ढा मेरी कार से टकरा गया तो उसके साथ घुमा के मुझसे बिल भरवाया, रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं छोड़ा। कार वालों को रोक कर शो ऑफ करने से तू क्या बड़ा हीरो बन गया क्या? मेरे जैसे इंसान ने अगर ठान ली तो तुझ जैसों को अपने आगे पीछे कुत्तों की तरह घुमा सकता है। देखा ना? और तू भी यार, एक फोन क्या किया, सुबह सुबह भाग के चला आया? क्यों, इन प्लॉट्स के लिए ना? हाँ? और ये प्लॉट्स बेचने पर तुझे ज्यादा से ज्यादा 1 lakh इंसेंटिव मिलेगा। छोड़ जाने दे, और उस दिन मेरा 100 crore का लॉस हुआ, वो भी जाने दे। वो लॉस मेरे लिए मायने नहीं रखता, तूने मेरे ईगो को टच किया। खुद से ज्यादा मुझे अपना ईगो पसंद है। अभी बिना साइन का ये चेक ले ले, इसे फ्रेम कर और अच्छे से देख, और जिसे दिखाना है उसे दिखा। चल जा।
वो बॉस ने पूछा तो मैंने उसे सब बता दिया, तू जरा संभल के रहना। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। राजू जी, हमारे मार्केटिंग का किंग कॉन्ग आ गया है, बल्क में प्लॉट बेचे हैं। अब चेक दीजिए सर। सर दरअसल छोटी सी गलती हो गई है। चेक पर साइन नहीं हुआ क्या? वैसे भी सुबह 8 बजे जब तुम्हें घुमा रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ऐसे घुमा रहा था, तब भी तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सर अभी क्या कहा आपने? घर से ऑफिस में, ऑफिस से उससे पहले सुबह 8 बजे से घुमा रहा था सर, तब समझ में नहीं आया, अब सब समझ में आ गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अविनाश जी के पिताजी श्री मोहन राव जी की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर मोहन राव जी की याद में अविनाश जी आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। मिस्टर मुकेश प्लीज कम ऑन द डायस। गणपति जी प्लीज आइए। सर आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे सर। आपके पिताजी ने जो नहीं किया आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किया सर। सुवर्ण भूमि वेंचर में 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया सर। वो हमारा ही है। सुवर्ण भूमि वेंचर्स हमारे हैं। सर आपको कोई पार्सल आया है? उम्मीद? यस। हेलो सर, अभी अभी आपको कोई पार्सल मिला होगा। हाँ क्या ये? अविनाश के डैड की डेथ एनिवर्सरी पे तुम जो गिफ्ट देने वाले हो वो है। मजाक के लिए समय नहीं है भाई राशन आप। अरे रुको, जोक नहीं है, ये है मेरा मास्टर स्ट्रोक। अपनी बीवी के बाद सुनोगे क्या? मेरी बीवी? सुनिए कविता। सुनिए, आपने कपिल को साइट खरीदने के लिए ऑफर दिया था ना, उसने हमें साइट सिंह का ऑफर दिया है, बहुत अच्छा है यहाँ सब कुछ। कविता तुम मेरी बात सुनो। वो सर सर अभी वो वंडरला में है सर। सर वाइफ ने बहुत एंजॉय किया सर। सर कवर मत भूलिएगा सर, कवर सर। डियर फ्रेंड्स, अपने पिता की याद में इन्होंने आप सबको घर देने का फैसला लिया है। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अविनाश जी के डैड की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। मेरा यहां आने का कारण है अविनाश जी। आप जानते क्यों? इन्होंने जो आपको प्लॉट अलॉट किए हैं उसके चेक पे दस्तखत ये आपकी आंखों के सामने करेंगे। ये रहा चेक। आपका ऑटोग्राफ करिए सर। नहीं करेंगे तो श्याम जी की फैमिली और आपकी इज्जत दोनों चली जाएगी, सोचिए मत। करिए सर, कोई ऑप्शन नहीं है। गुड्डे को टक्कर मार के भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तेरे डैड की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करवाया। और एक तू है, जिंदा लोगों की भी इज्जत नहीं करता। क्या बोला था? तुझे खुद से ज्यादा अपना ईगो पसंद है। ए, जिसमें ईगो होता है ना उसके अंदर इन्फीरियोरिटी इनसिक्योरिटी होती है, पर मुझे में सब कुछ नहीं है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है, तू सोच भी नहीं सकता इतना। इसका जेरॉक्स दे रहा हूँ, फोल्ड करके पर्स में रख ले अपने। जब भी तू खोलेगा ना तो तुझे मेरी याद आएगी। चलता। मेरी फैमिली तेरे घर पे पहले ही पहुंच चुकी है, पागल कहीं का। थैंक यू। Well done, Kapil. Thank you. Sorry, हाँ, तुम्हें जॉब पे रख के बहुत टॉर्चर किया। अरे नहीं, मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए। आप कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं ये जॉब करके मुझे मालूम पड़ा। Hats off. Thank you. तुझे कुछ कहना नहीं है क्या? Sir, even I want to become an entrepreneur. बन जाएगा वो तो, तेरे में बहुत पोटेंशियल है। साइडो, तो शादी कब है? वो सर, वो रिश्ता देख रहे हैं सर। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, बात बन जाएगी। देखा ना,
आपने कपिल को जो पैसे दिए थे मुझ तक नहीं पहुंचे। वो ठीक है राजू जी, अभी कपिल को फोन किया वो नॉट रिचेबल आ रहा है, बाहर कस्टमर एडवांस के 5 लाख वापस मांग रहा है, कुछ ना कुछ तो देना होगा ना, उतना तो। ओ, आ गए। क्या हुआ सर? उस दिन मैंने तुम्हें 5 लाख कैश दिया था राजू जी को देने के लिए। हाँ। तो दिया क्यों नहीं? राजू जी के असिस्टेंट रविंद्र को दिया था। लेकिन उसे क्यों दिया? सर आप उस दिन बैंक गए थे ना सर, तो आपका असिस्टेंट आके मेरे पास से पैसे ले। बिल्कुल झूठ, रविंद्र को तुमने पैसे दिए ही नहीं। इस बारे में उससे पूछिए ना। है उसकी माँ की तबीयत खराब, इसीलिए वो वाराणसी गए, इसीलिए उसका फोन स्विच ऑफ मिल रहा है। सर आपके पैसे रविंद्र के पास ही है, यही सच है। सच है। तुम्हारा बाप बेटिंग में पैसे हार गया होगा, उसी के लिए चुका दिया होगा, यही सच है सर। हरीश जी कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट दीजिए सर। हाँ ठीक है। राजू जी अभी के लिए बैंक से विड्रॉ करके उन्हें देकर भेज दीजिए प्लीज। What is this couple? It's a matter of 5 lakhs. ठीक से याद करके बताओ, उनके असिस्टेंट को दिया था या किसी और को? बात वो नहीं है सर, एक्चुअली हुआ कि वन सेकेंड। हेलो, क्या कहा? मैं अभी पहुंच रहा हूँ सर, मुझे अर्जेंटली जाना होगा सर। और मेरे पैसों का क्या? सर पैसे की गारंटी मेरी है, 2 घंटे का टाइम दीजिए सर। जल्दी करो। जल्दी से इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाओ, सारी रिपोर्ट्स आ गई है ना? राजू कहाँ है? राजू मैं उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सीरियस बात तो नहीं है ना? वो एक्चुअली इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होगा, हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं। मैंने राजू को पहले ही कहा था कि 4 से 5 लाख तक का खर्चा होगा। 4-5 लाख रुपए? अगर आप पैसों का इंतजाम करेंगे तो मैं तुरंत ऑपरेशन कर दूंगा। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके, मैं बस अभी आता हूं। ठीक है। कपिल पापा, वैष्णवी को क्या हुआ? वैष्णवी अचानक चक्कर आया और वो गिर गई। तुम्हें फोन कर रहा था लेकिन फोन ही नहीं लग रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कपिल को फोन किया, भागते हुए वो आ गया। मुझे पता था कि तुम गुस्सा करोगे लेकिन कोई नहीं, उस वक्त मेरे लिए वैष्णवी की जान ज्यादा कीमती थी। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन में 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे बेटी। राजू ए, मुझे 5 लाख चाहिए। क्या 5 लाख? वाइफ हॉस्पिटल में है ऑपरेशन के लिए। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? ट्राई करना यार। मुश्किल है यार, इस वक्त नहीं हो पाएगा, सॉरी। अभी जी, हाँ राजू भाई। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट? ब्याज कुछ भी हो चलेगा, 5-10 जो भी होगा दे दूंगा। बात वो नहीं है राजू भाई, दरअसल मेरे पैसे कहीं फंसे हुए। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो दरअसल माँ कंचना की चाची का हार्ट ऑपरेशन है, अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए, किससे मांगू मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे मंगवाया है। ठीक है रुक, ये ले। पूरे 5 लाख तो नहीं है ये, रुक ये चूड़ियां ले ले। माँ चूड़ियां? कोई बात नहीं, ले ले। ठीक है माँ। तू जा जल्दी जा। आप घर जाइए, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, पेशेंट का नाम वैष्णवी, ऑपरेशन थिएटर में। ये लीजिए 5 लाख कैश। ये रिसीट लीजिए, पेशेंट का नाम वैष्णवी है। वैष्णवी मुझे डांटा, कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में आप सबके लिए हमेशा इज्जत रहेगी। सुनिए ना, आप कपिल के पापा से नाराज हैं, पर कपिल से इतनी नफरत क्यों? हमारी प्रॉब्लम के पीछे कपिल के पापा हैं भी या नहीं ये नहीं पता, पर हम पर कोई भी संकट हो
तो ये हमारे साथ ही रहेगा। हेलो राजू जी, एक्चुअली पैसा लेने वाला आपका असिस्टेंट ही है। हमने बेवजह ही उस बेचारे कपिल पर शक किया। कैसा लग रहा है अभी? पेन तो नहीं है ना? तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। उस दिन चाचा जी ने जो भी कहा वो सुनकर मुझे लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, लेकिन आज तुम मेरी फैमिली के इतने करीब आ गए हो तो लग रहा है कि चाचा जी मान जाएंगे। अभी मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? बोलो ना, करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ओ, तुमने तो मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाकर 5 लाख रुपए भरे ना? या फिर ऑफिस में तुम चोर नहीं हो ये प्रूफ किया है? अरे तुम नहीं करते तो कोई और कर देता, पर तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कपिल। पता है क्यों? 1000 तो क्या गिनती कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, रात को ऑनलाइन रमी खेला था, 3000 का फायदा हुआ है, इसलिए पहले ही ड्रॉ कर लिया मैंने। नाइस यार। पार्टी करें क्या? हाँ जरूर जरूर। हेलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अरे 3000 थे, पूरे क्यों डाल दिए? मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ समझा, तेरी मदद कर रहा हूँ। अभी यूं ही रमी खेलेगा फिर मेरे डैड की तरह बन जाएगा। फ्रेंड का मतलब सिर्फ शेयरिंग ही नहीं भाई, कैरिंग भी होती है। तुम्हें जब पहले देखता था तो तुम में तुम्हारे पिता नजर आते थे, पहली बार तुम में मैंने खुद को देखा। तुम्हारे बाप की बुराई की सजा तुम दोनों को देना अच्छी बात नहीं होगी, मुझे माफ करना। पापा हाँ? इस महीने में अच्छे मुहूर्त है, कपिल के माँ बाप को बुलाकर मुहूर्त तय करते हैं। चाची जी, ब्यूटीफुल, आप कौन है? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मैंने पहचाना नहीं। मैं अविनाश, आपके भाई के फ्रेंड मोहन राव जी का बेटा। ओह, मोहन राव जी के बेटे हो क्या? बचपन में तुम्हें देखा था, आओ बैठो। आपके पिताजी कैसे हैं बेटा? लास्ट ईयर ही पास्ट अवे। अरे अरे, आई एम सॉरी। आपको तो पता ही होगा मेरे पिताजी आपके भैया कमलाकर क्लोज फ्रेंड्स थे। बेटा कॉफी। थैंक्स आंटी। अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके भैया ने मेरे पिताजी से 50 लाख उधार लिए थे। अरे एक बॉल जिंदगी बदल देगी, कम ऑन। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? कुछ नहीं यार, अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। क्यों रे, तूने इसे भी सिखा दिया क्या? ए, सीनू के लिए पैसे से ही तो तूने 5 लाख जीते और व्यापार शुरू किया। ए, डॉट लगाकर कहाँ रोकना है मुझे अच्छे से पता है, कोमा लगाकर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा तुझे खुद नहीं पता है। कल पैसे भेज दूंगा, तू जहाँ बोलेगा मैं साइन कर दूंगा। अरे तू भी ना, तू संभल के रह। हेलो तुम भी। ओके 2 लगा दी। 50 लाख? 50 लाख? यकीन नहीं हो रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। विटनेस कोई और नहीं, वो कमलाकर। क्या कहा, कमलाकर? आपके भैया ने जो इतने पैसे लिए उसकी वजह वो कमलाकर है। बैड लक, आपके भैया सेंसिटिव थे इसलिए सुसाइड कर लिया, लेकिन कमलाकर चालाकी से निकल गया। 50 लाख का इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो 15 साल में कितना होगा आपको अच्छे से पता होगा। पैसे कब देंगे? पैसे बेटा, अब
भी इतने पैसे देने का मतलब है। ठीक है, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, असल के 50 लाख दे दीजिए। बेटा, इस बीच में मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ है और इससे पहले तो पता है, कंचना के नाम पर मैसूर में जो घर था वो बेच दिया। मुश्किल है। एज अ वेल विशर मैं आपको एक ऑफर दे सकता हूं, कंचना की अगर मुझसे शादी करवा दी तो मैं इसी वक्त ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ दूंगा, बाकी फिर आपकी मर्जी। वही कोर्ट, वही केस, घर के बाहर मीडिया का आना जाना, बेचारे। दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पर बेटा, नेक्स्ट संडे मेरी और कंचना की शादी है, ये लीजिए माय वेडिंग कार्ड। आएंगे ना? चलता हूँ। बॉस अंदर मीटिंग में है, अभी नहीं मिल सकते हैं, जाओ। I want this block and this block. Make it ready as soon as possible. Hey, समझ में नहीं आ रहा है क्या? But actually, जाओ। क्या है? जली क्या? इट्स बर्निंग राइट? प्रिया के मामले में मेरी भी ऐसी जली थी। क्या प्रिया? कौन है प्रिया? याद दिलाऊं, पानीपुरी वाले को 20,000 देने को कहा था, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ था पता है? तुम मुझे पसंद हो प्रिया, पर इतनी जल्दी शादी क्यों करना? वी आर जस्ट 25 years मैन, हम 5-6 साल बाद शादी कर लेंगे। What? 5-6 years? अगर तब तक रुक नहीं सकते तो लेट्स स्टार्ट अ लिव इन रिलेशनशिप। मतलब मुझे की बनने को कह रहे हो? कम ऑन प्रिया, बी प्रैक्टिकल, ऑल दीस थिंग्स आर कॉमन दीस डेज। ये तुम्हारे लिए भले ही कॉमन है, मेरे और मेरे फैमिली के लिए नहीं। वैसे भी आई एम डन विद यू, आई जस्ट हेट यू, लेट्स ब्रेक अप। हे प्रिया, प्रिया, पागल था मैं उसके पीछे, पर मुझसे ब्रेकअप करके चली गई तेरी वजह से। तुम दोनों ने मेरे ईगो के साथ खेला है। एक्चुअली मेरे पिता से उस श्रीनिवास ने सिर्फ 50,000 लिए थे, पर मैंने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया, उस 50,000 में 2 शून्य ऐड कर दिए, जस्ट 2 zeros, और अब वो 50 लाख हो गए हैं। पता है उसमें विटनेस पे सिग्नेचर किसने किया है? तेरे बाप ने। कैसे किया देखेगा। सर आज हमारे क्लब की एनिवर्सरी है सर। हाँ, आप फ्री में 25,000 तक खेल सकते हैं। अच्छा तो दे, मैं अभी दस्तखत करता हूँ। अरे तेरा बाप तो क्रिकेट बैटिंग के पीछे दीवाना है रे, कहाँ साइन कर रहा है देखा भी नहीं उसने। तेरा बाप जब तक जिंदा है ना, तेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी। ये डॉक्यूमेंट की कॉपी ले और अपने बाप को दे जा, शायद शौक से मर जाएगा। तेरे सामने कंचना को मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तब मेरा ईगो सैटिस्फाई होगा और तू ही चीफ गेस्ट होगा। लाइफ में ऐसा कुछ होगा कभी सोचा नहीं था, और इन सब की वजह मेरे डैड है, और जब तक मेरे डैड जिंदा है मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। हेलो। हेलो, कहाँ हो बेटा? बाहर हो डैड। अरे थोड़ा अर्जेंट है बेटा। तो कहाँ हो आप? कोंडापुर बेटा, एक नया क्लब ओपन हुआ है ना, तो आते समय थोड़े पैसे लेकर आना बेटा। ठीक है, आता हूँ। सर
आपके 25,000 खत्म हो गए। ओके ओके, मेरा बेटा आ रहा है अभी। अरे आ गया तू? ए बस 5,000 और दे दे यार, इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा। 5,000 क्यों डैड, 25,000 लीजिए ना। 25,000? हाँ हाँ, बैठो 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 बैठो। हाँ ए, मेरा बेटा आ गया, 25,000 लगा दे, 25। मार मार मार। कोई बात नहीं डैड, अभी छक्का मारेगा, 50,000 लगा दो। है ओए, तू इतना एनकरेज करता है तो ये क्लब ही खरीद लेते हैं ना। That's the spirit. Hey, 50,000 लगा दे, मेरा बेटा बोल रहा है। इसका टाइम अच्छा है। 6. आउट यार। 50,000 कितनी मेहनत से कमाए थे ना। कोई बात नहीं डैड, आपको जीतना है ना, मैं भी वही चाहता हूँ, इसलिए खेलते रहिए। 2,00,000 लगा दीजिए। hey, हमारा टाइम अच्छा नहीं, चल चल बाहर निकल। कोई बात नहीं डैड, आप बैठिए, 2,00,000 लगाते ना। जस्ट 2,00,000, डोंट वरी भैया, 2,00,000। ओके सर। उठ जा, चल चल, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चल चल। अरे बैठिए ना डैड, सीधा जैकपॉट लगाते हैं, ठीक है? एक ही बार में 5,00,000, 5,00,000 जीतेंगे। हाँ भैया, चेक चलेगा ना? ठीक है सर। अरे नहीं 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 नहीं, तू पागल हो गया है क्या? नहीं, ये हार जाएंगे तो और कमा लेंगे, उसमें क्या है? ये पैसा फ्लैट खरीदने के लिए रखा हुआ है ना, इस चेक पे दस्तखत क्यों कर रहा है तू? अच्छा तो आपने इस पे दस्तखत क्यों किए? इन्होंने कहा है कि ये क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, तो ऐसा कर दिया मैंने दस्तखत। ठीक से पढ़िए। रीनू ने मोहन राव से 50,00,000 रुपए उधार कब लिए थे? हाँ, उस पर मैंने गारंटी का दस्तखत भी कब किया था, याद नहीं? ए, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। पहले उठ, ए रुक जा, उठ उठ, तू चल चल, मैं बताता हूँ ना, रीनू का नंबर लगा, मैं उससे बात करता हूँ। रीनू से बात करोगे क्या बेटा? अंकल, किसी के गुजर जाने के बाद उससे कैसे बात कर पाओगे? क्या बोल रहे हो अंकल? तेरे क्लोज फ्रेंड रीनू को मरे 15 साल हो गए और तुझे कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो गया? इस बैटिंग से उधार और बेइज्जती वो सह नहीं पाया तो उसने आत्महत्या कर। डैड, डैड, आपने इन्हें क्यों बताया? नहीं बोलना चाहिए था क्या? ठीक है, नहीं बताता। तूने जिस लड़की से प्यार किया ना, कंचना, मेरी श्रीनू की बेटी है वो, क्या उसके बारे में नहीं बताना चाहिए था? ठीक है, नहीं बताता। वो मोहन राव का बेटा हमारे घर आकर फेक डॉक्यूमेंट दिखा के 50,00,000 देने के लिए कंचना से शादी करवाने का सौदा करके गया है, उसने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, क्या ये भी नहीं बताना चाहिए था? नहीं बताऊंगा, ये सब बताऊंगा तो तेरे पिता को कुछ हो जाएगा, यही ना? ए, जो दारू सिगरेट पीते हैं ना, सिर्फ वही मरते हैं, लेकिन जो जुआ खेलते हैं ना, उनके साथ उनका घर परिवार, उन सबका सर्वनाश हो जाता है। एक बैट की वजह से मेरा बेटा मर गया और तेरी जिंदगी भी नासूर हो गई है और तेरे बेटे की बेइज्जती हो गई है, पर तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बोलना नहीं चाहिए था ना बेटा? अब बोलने के लिए क्या छोड़ा है तेरे बाप ने आखिर? तेरे कारण मेरा बेटा मर गया, पर आज तेरे बेटे की वजह से सब जिंदा हैं। ये हीरा है, असली हीरा है, तुझे इसे पहचानना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड, आप, मैं, माँ, बस हम तीनों ही मेरी दुनिया है। मुझे डर था कि कहीं ये खबर सुनकर आपको कुछ हो जाता। आप में कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन आपकी सारी खुशी इस बैटिंग में है डैड, इसे छोड़ दीजिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सामने वाले की वीकनेस पर वार करना कुछ लोगों की आदत है, वो उनकी गलती नहीं है,
हम ही ऐसे लोगों को शह देते हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए जब अविनाश ने मेरे सामने आपको जुआरी कहा तो मन किया उसे वहीं मार दूं। मैं अपनी बेइज्जती सह सकता हूं लेकिन आपकी नहीं। अविनाश को फोन लगा। डैड लगा ना, उसी का फोन आ रहा है। हाँ क्या टाइमिंग है यार, मैं मेरी बीवी और मेरा बेटा अब यही मेरी दुनिया है। सट्टा लगाते समय जब चौका और छक्का लगता था ना तो टीवी देखते हुए ताली बजाता था मैं। ए, अभी बोल रहा हूं मैं, मेरा बेटा जब कंचरा के गले में मंगलसूत्र डालेगा ना तेरे हाथों से ताली बजूंगा मैं। We will win the bet. कंचन आ गई क्या? या उसके पेरेंट्स? ओह, दे आल्सो केम। एवरीथिंग इज फाइन राइट? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आ गए क्या? सॉरी ब्रो, वो तेरा रूम था क्या? अर्जेंट लगी थी तो वॉशरूम यूज कर लिया। जाओ जाकर गेस्ट को संभालो। हाँ गेस्ट गेस्ट, वहीं जाता हूँ। हे अविनाश, ये पक्का कोई प्लान करके ही आया है? वो प्लान करेगा तो तुझ पर करेगा, मुझ पर नहीं। चल, आई हैव टू गेट रेडी। अरे वाह, क्या लग रही हो बेबी। एक हाथ दो ना प्लीज। क्या कर रहा है तू? अरे वो दुखी थी ना तो बस हिम्मत दे रहा था। वैसे ये शादी तेरी है या अविनाश की? क्यों, तुझे कंफ्यूजन है क्या? मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा यार। ए ब्रो, शादी से पहले ऐसे ही हिम्मत देनी चाहिए। ये देखो। ए? इसे हिम्मत देना नहीं, करीब आना कहते हैं। तुझे क्या समझना? चला। ए, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये शादी जरूर होगी। क्यों होगी ना बोलो। हाँ, ये शादी होगी। ये दोनों बिल्कुल सही है बेटा। देखो ब्रो, ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी। सुपर्ब दादाजी, ये शादी होगी ब्रो, डोंट वरी, होगी। और कोई आएगा तो आने मत देना। हाँ। अंकल, असल में यहाँ हो क्या रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, शादी हो रही है। वैसे तुम कौन हो? ओ, खाना खाकर जाना बेटा। खाना खाओ। ब्रो, ये शादी होकर रहेगी। सब सही चल रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है यार? ब्रो, प्लीज ब्रो, हे, इतना साइलेंट क्यों हो गया है? एक काम करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं ये पुलिस को बता देते हैं और ये शादी रुकवा देते हैं। ये सही नहीं होगा, ये शादी होनी चाहिए। ब्रो, शादी होनी चाहिए बोल रहा है ना? वैसे भी शादी करना मेरी बीवी को किडनैप करने जितना आसान नहीं है। चल जा। दुखी मत हो ब्रो, ये शादी गारंटीड होगी। ब्रो कहाँ है? ब्रो ब्रो, ये शादी होकर रहेगी। यस दादाजी, क्या सही टाइम पर आए आप, मानना पड़ेगा। मुहूर्त हो गया है, दूल्हे को बुलाइए। कहना तो नहीं चाहिए पर ये शादी का ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रहा है। ड्रेस ही नहीं, कंचना भी मुझे ही सूट होगी। सुनिए, दुल्हन को लेकर आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि। रुक 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 रुक, कहानी क्लाइमेक्स तक आ गई है। अगले 5 मिनट में मंगलसूत्र भी बन जाएगा। टेंशन सह नहीं पा रहा हूँ ब्रो। शादी कैसे रुकोगे? सच कह रहा हूँ, ये शादी नहीं रुकेगी। अविनाश की और कंचना की शादी होगी क्या? अविनाश की शादी, कंचना की शादी जरूर होगी। अविनाश की कंचना के साथ शादी होगी क्या? अभी क्लियरली पूछा ना, इधर कान में बताता हूँ। प्लीज बताओ, अविनाश को नहीं बताऊंगा। कंचना की शादी कपिल के साथ जरूर होगी। अभी यहाँ से निकल और जाकर अविनाश को बता दे। लगा था, अब मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स। हे शाम। क्या कह रहा है?
ये शादी होगी। मैं भी तो वही कह रहा था ना। वो बात कर रहे हैं अपनी शादी के बारे में, कंचना के साथ उसकी शादी होगी। तेरी तो, तेरी फैमिली कहाँ है पहले जाके वो देख। क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी मंगल सूत्र। बेटा अभी दो मिनट का समय है। कोई बात नहीं दीजिए। ये देख मंगल सूत्र बांध रहा हूँ, कंचना के गले में मंगल सूत्र बांध रहा हूँ। क्या करेगा। ए, मैं अभी मंगल सूत्र पहना रहा हूँ, तू किसे पहनाएगा। रुक जा वन सेकंड। प्रिया कैसे और शादी के जोड़े में क्यों है। ए अविनाश ये मंगलसूत्र किस लिए पूछा था ना, ये प्रिया के लिए। पहनाओ क्या। पहनाओ मुझे। पहनाओ। हे प्रिया रुक जा। अविनाश पहनाओ ना मुझे। ए तुम रुको। अरे मुझे पहनाओ ना तो फिर पहनाओ। हे रुक जाओ प्रिया। तुझे खुद से ज्यादा ईगो पसंद है ना, रुक जा पहनाता हूँ अभी। पहनाओ। वो तुम्हें मंगलसूत्र क्यों पहना रहा है। तो तुम्हारा कंचना को मंगलसूत्र पहनाना गलत नहीं है। अरे वो बात नहीं है। तो क्या बात है, तुमने जब मेरे साथ शादी पोस्टपोन की थी तभी मैं समझ गई थी। हाँ। तब सिचुएशन अलग थी। ये सही सिचुएशन है। ए, हाँ। तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओ और उसको देखना पड़ेगा। ओके, ओके। बेटा मुहूर्त का समय निकल रहा है, जल्दी फैसला करो ना। वो मीटिंग वो कॉन्ट्रैक्ट। अविनाश अविनाश मुझे पहनाओ तो सही। पहनाओ पहनाओ। तू क्या मंगलसूत्र पहनाएगा। मंगलम भगवान मंगलम करुणाया मंगलम पुण्यकाशाय मंगलाय तनोहरि ओम शुभम। क्लीन फोन। मैंने कहा था ना। यू आर ग्रेट अंकल, यू वन द बेट। कपिल प्रिया मुझे तो नहीं मिली, तुझे कैसे मिली। उधर देख। We will win the bet. ये बेटिंग छोड़ेंगे नहीं क्या। वो तो आदत की वजह से कहा था ना। तो आप क्या करेंगे। अरे सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना। सर योर ऑर्डर। ऑर्डर आ गया है। रुको मैं लेकर आता हूँ। हाय अंकल। पहचाना क्या। मैं मधु, बचपन में हम पड़ोस में रहते थे। फ्री कैम वाली। हाँ, कैसे हैं। मैं अच्छा हूँ, फाइन। ए कपिल। हाँ मधु पड़ोस की। फ्री कैम वाली। हाय यार, कैसे हो। मैं मधु, बचपन में हम दोनों। हाय मधु। प्रिया डैड। तुझे पता है प्रिया कौन है। मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड है।